हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्यूलिप की कटिंग एंड स्टिचिंग। अच्छा, इसकी कटिंग के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए वो हमें चाहिए 20x20 का, जो 20x20 का होगा। और ये कटिंग एंड स्टिचिंग होगी 2 साल की बच्ची की ट्यूलिप की कटिंग एंड स्टिचिंग। अच्छा, इसे इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ से कपड़ा उतार लेंगे त्रिकोण में, जैसे कि अम्ब्रेला के लिए उतारते हैं कपड़ा। तो ये देखे, मैंने कपड़ा उतार लिया है। अब इसको मैं ट्यूलिप की शेप दे रही हूँ। इस तरह ट्यूलिप की शेप देंगे। ट्यूलिप की शेप देने के बाद जो नीचे से पोंछा होता है उसकी सेटिंग करूँगी, उसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि ये त्रिकोण नहीं होता, ये हल्का सा गुलाई पे होता है। इसे मैं हल्का सा गुलाई में कटिंग कर रही हूँ, हल्की से इसका शेप दे रही हूँ, ट्यूलिप के नीचे से शेप दे रही हूँ पांचे को। ओके, अब शेप देकर इसे ऊपर से कट किया जाएगा। हमें 20 इंच प्याज चाहिए, तो 4 इंच का ऊपर बेल्ट रखा है मैंने, और 16 इंच पे लगा के निशान, जैसे हम रेला की कटिंग करते हैं वैसे गुलाई पे इसकी कटिंग कर देंगे। ओके, जैसे अम्ब्रेला की कटिंग की जाती है वैसे इसकी कटिंग की जाएगी। अब मैं इसकी म्यानी काट रही हूँ। 8 इंच म्यानी चाहिए और मैं 4 इंच इस पे से काटूंगी, और 4 इंच का जो बेल्ट आएगा उस पे म्यानी होगी। सो अब ये म्यानी को जोड़ के सिलाई कह के म्यानी जुड़ जाएगी। स्टिचेस लगा के म्यानी जोड़ देंगे। ये देखें, अब मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ, शलवार को सेट करके रख रही हूँ। ये देखें, इतनी इजी है चूड़ी की कटिंग एंड स्टिचिंग, जस्ट टू मच ईजी। बस आपको पांचे का ध्यान रखना होता है, एंड जब आप म्यानी स्टिच कर लेते हो ना, तो आपकी शलवार ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। तो फिर आप यहाँ पे जो फ्रंट है, इधर लेस भी ऐड कर सकते हो, मैंने लेस ही ऐड की है। तो ये देखें, अभी ये जो है इसका बेल्ट रेडी कर रही हूँ, ऊपर से फोल्डिंग कर रही हूँ, तो ये बेल्ट रेडी कर रही हूँ। छोटी बच्ची का है, तो इसलिए मुझे इतना बड़ा कोई बेल्ट पसंद नहीं था, तो मैंने इतना बड़ा बेल्ट रखा नहीं। वैसे इसका बेल्ट नॉर्मल एक बड़ी लड़की के लिए 11 इंच का बेल्ट होता है। और यहाँ पे चूनर्स डालूंगी दरमियान में, आगे जो चूनर्स आएंगी, और ये बेल्ट इसके साथ अटैच किया जाएगा, और यहाँ पे लेस लगेगी, और हमारी जो के शलवार है वो रेडी हो जाएगी। ओके, और ये 3 इंच पांचा मैं रख रही हूँ, 3-4 इंच पांचा, और ये देखें मेरी शलवार रेडी हो चुकी है। ये मैंने लेस लगाई है। अगर आज आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।